जैसे ही अरिस्ता सुर ने ये शंख देखा वो दुम दबा कर भाग गया। वैसे तुमने उसकी दुम देखी? नहीं, मैंने देखी, ये बड़ी दुम थी। जब वो इस शंख को देखकर दुम दबा कर भागा था तब मैंने देखा था। बहुत अच्छा किया मेरी बेटियों, ये शंख तो अपने साथ लेके आई, नहीं तो वो दुष्ट दैत्य हमें मार डालता, नहीं छोड़ता हमें। राधा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। देखा काका, अब आपकी पुत्री नहीं आपके प्राण बचाए हैं। किंतु आपने इनके साथ बहुत अन्याय किया, इनका तिरस्कार करके आपने बहुत ही बड़ा पाप किया है। सरस्वती दादी, अब आप कहिए, आपने भी तो अपने पुत्र का इस पाप में साथ दिया था, जबकि आप तो स्वयं एक स्त्री हैं, और स्त्री होकर आप कन्याओं को अपना बोझ समझती हैं। बेटा होने से ये सुनिश्चित नहीं हो जाता कि आप सदैव ही प्रसन्न रहेंगे, किंतु पुत्रियां सदैव अपने परिवार को प्रसन्नता देती हैं। पुत्रियां भी पुत्रों से कम नहीं होती। हाँ काना, तुम सही कह रहे हो, आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जिन्हें मैं आज तक बोझ समझती थी, आज वही कन्याएं मेरे और मदन के जीवन के लिए अपने प्राण निछावर के लिए भी तैयार हो गई थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई काना, मुझसे बड़ी भूल हो गई काना। मुझे तो लग रहा था कि आज हम अपनी पुत्रियों के भाग्य से बचे हैं। गंगा, मुझे क्षमा कर दो। नहीं नहीं स्वामी, आप क्षमा मत मांगिए। और तुम सब हमारी बच्चियों के साथ घर चलो, अपने अपने घर चलो। मैया, बाबा, पुत्र, लल्ला,